नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया दंगल का। दर्द का दरिया बह रहा है हाथरस के बुलगढ़ी गांव की तरफ और बह रहा है सियासत का दरिया भी हाथरस की तरफ। आज जैसे ही गांव में पुलिस की बैरिकेडिंग हटी, हाथरस की निर्भया के परिवार के कलेजे में दबा दर्द समंदर की तरह बाहर आ गया। आज तक के साथ बातचीत में पीड़िता की मां, भाभी और भाई ने न सिर्फ 14 सितंबर की वारदात के बारे में बताया, बल्कि पुलिस और प्रशासन ने कैसे परिवार पर दबाव बनाया, सब कुछ खुलकर बोल दिया। जब शासन प्रशासन पर सवाल उठे तो सरकार के नुमाइंदे परिवार से मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जोरदार हंगामा किया नोएडा में और पुलिस ने लाठियां बरसाई। आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 5 कांग्रेस के नेताओं को हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति मिल गई। तो दंगल में बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ होंगे हाथरस पर दो दो हाथ करने के लिए। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दिन भर में आज क्या कुछ हुआ। नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? अब आप लोग क्या चाहती हैं ये बताइए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। ये सब जो डीएम साहब है, एसपी साहब है, उन लोगों का, इन लोगों का कराइए ना, जो इन लोगों ने झूठ पे झूठ। इस तड़प पर तहस नहस हो जाता है इंसान होने का गुरूर। सत्ताधीशों की बेरुखी पर बेबस हो गई है पूरी बस्ती। हाथरस में गुड़िया का गांव पुलिस वालों के बूटों से कांप रहा है। गांव की गलियां गर्दिश में है, खौफ के साए में धड़क रही है पूरे गांव की धड़कन। हे प्रशासन के विधाताओं, हमने क्या खता की है जो ये सजा मिली है? बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम, यहाँ पर किसी सरकार, किसी प्रशासन, किसी अमले से लड़ने नहीं आए हैं। हम हमारी बच्चियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस खुदा को कोसे ये माँ, किस ईश्वर से लगाए इंसाफ की गुहार, क्योंकि यूपी के खुदाओं ने तो खैर नहीं की। मट्टी आई थी उस दिन? हाँ, परसों। परसों हमारी बेटी की मट्टी नहीं थी उन लोगों ने। एसआईटी की टीम क्या पूछताछ करके गई है? आराम से, बिल्कुल आराम से बताइए, क्या पूछताछ करके गई है टीम? यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता। तो क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि सीबीआई जांच करे? नहीं, सीबीआई नहीं चाहिए। नहीं नहीं चाहिए मैम, सीबीआई सीबीआई नहीं चाहिए। तो फिर कौन जांच करेगा, कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। तो बताइए भला कैसे गाए कोई जनतंत्र के गीत, जब जनता के नुमाइंदों ने, जनता के सुरक्षा कर्मियों ने, जनता के तंत्र को चिता की भस्म में मिला दिया है। वो लोग आए थे जो ऐसा हादसा हुआ उसके बारे में लिखवाया, बस वो लिखते ही चले जा रहे। कल का टाइम दिया था, कल वो लोग नहीं आए। सारे दिन हमने सुना है गांव में थी एसआईटी टीम जो भी थी। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से, परसों पूछताछ हुई एसआईटी की टीम, कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थी। कल कोई नहीं आया था पूछताछ? नहीं आया था। और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे, कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या मुआवजा ले लेते? उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या? पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? जब न्याय की आस हाथरस की नालियों में बह गई, जब बह गया भरोसा, बह गई उम्मीद, तब सरकार को होश आया। और जब सरकार को होश आया तब अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे। जो एसआईटी है वो अपना पूरा काम करेगी और जहां भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उधर हाथरस की हैवानियत पर हंगामा हो रहा था और इधर डीएनडी हाईवे पर कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने 30 सांसदों के साथ हाथरस के लिए कूच कर चुके थे। देखिए कि जो विकेट कीपर है या जो डिफेंस है सरकार का वो काफी मजबूत है, तो ये क्रिकेट पिच भी तब्दील होता नजर आ रहा है। जिस तरह से सियासी अखाड़ा कह लीजिए, और इस सियासी अखाड़े में एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा है और बीच में है उत्तर प्रदेश प्रशासन। उत्तर प्रदेश प्रशासन को कमान दी गई है कि कांग्रेस को रोको, और इसके सियासी मायने भी बहुत है। क्या कांग्रेस का रथ लखनऊ की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है? परिवार को इंसाफ का इंतजार है।
दिल्ली से अभिषेक आनंद और मौसमी के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में हम आपको सीधे पहले हाथरस लिए चल रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को जाने की अनुमति मिल गई है। 5 लोग उनके साथ हाथरस जा पाएंगे, पीड़ित परिवार से मिल पाएंगे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। वहां की लाइव स्थिति क्या है, ताजा स्थिति क्या है, आशुतोष बता दीजिए। चित्रा भी हाथरस से हमारे साथ आएंगी। 2 मेहमान हमारे साथ आ गए हैं, रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नेता है और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता है। पहले आशुतोष बताइए ताजा स्थिति। रोहित, यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला उसने अपना बंदोबस्त कर रखा था, पहले ही आपने देखा कि यहाँ तो पत्रकारों के जाने पर रोक लगा दी थी, भला राजनीतिक दल कैसे आ पाते। लेकिन जब जम के फजीहत हुई है तो न सिर्फ पत्रकारों को जाने दिया गया, सवाल जवाब भी हुए। आज बाकायदा 2 सूबे के बड़े अधिकारी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। उसमें यह भी कहा गया कि ठीक है, आप किसी भी राजनीतिक दल को अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर आना है, आइए, लेकिन 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। और उन्हीं की अनुमति के बाद हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर आ रहे हैं। ये गांव तो छोड़िए, गांव के भीतर हमें जाने के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि बाहरी गाड़ियों को रोक दिया गया है। अब देखते हैं इनकी गाड़ियों को अंदर जाने दिया जाएगा कि नहीं। बाहर पूरा प्रशासनिक अमला तैनात है, पीएसी तैनात है, यहाँ जितनी पुलिस रिजर्व में सबको खड़ा कर दिया गया। तो ये पूरा इलाका एक तरह से किले में तब्दील हो गया। तो नजर ये भी है कि जब आएंगे परिवार से मिलेंगे, क्योंकि परिवार जिस संवेदनाओं से, जिन भावनाओं से गुजर रहा है, आज शायद वो दिन था कि सरकार आती, हिम्मत बढ़ाती और 2 अधिकारी गए मिलने में, कहीं ना कहीं ये संकेत भी देने की कोशिश की कि देखिए जो भी शिकायतें थी उनके इतर अब सरकार साथ खड़ी है। न सिर्फ इंसाफ सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो दो अपराधी हैं, चाहे वो सिस्टम के हों, सिस्टम के बाहर हों, हर किसी को सजा मिलेगी। लेकिन फिलहाल नजर है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के यहां पहुंचने का। आपको ये भी जानकारी दे, कल आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी 11 बजे पहुंचेंगे हाथरस। वहीं खबर यह भी है कि कल अखिलेश यादव भी आ सकते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। रोहित, कोई बलरामपुर जाने का प्लान कर रहा है कि नहीं, या आजमगढ़ जाने की भी सोच रहा है कि नहीं, या वहां पे बलात्कार को मान्यता नहीं दी राजनीतिक पार्टियों ने कि ये बलात्कार नहीं मानते हम? तो ये सवाल फिर भी पूछा जाएगा रोहित, कि फिर राजस्थान, दूसरे राज्यों में, हरियाणा में, देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर संवेदना प्रकट करने कोई क्यों नहीं जाता? लेकिन ये सियासत है और ये सियासत का चेहरा है कि जहां पर सरकार इस तरह की हरकतों में लिप्त पाई जाती है, जहां प्रशासन चीजों को छुपाने में लगता है, दरअसल विरोधियों को वहीं पर एक मौका मिल जाता है। आप इसे पॉलिटिकल टूरिज्म कह लें, राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश कर लें, लेकिन यह हर पार्टी लगभग हर राज्य में करती है। खासकर जो विपक्ष में होता है उसे ऐसा कोई मुद्दा चाहिए होता है, और इसके बहुत सारे ज्वलंत उदाहरण आपको कई राज्यों में मिल जाएंगे। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ रोहन गुप्ता और अनुराग भदौरिया, 2 मेहमान आ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, आपको तो कल लाठियां भी पड़ी, आप लोग नहीं गए हाथरस? मैंने तो आपको बताया कि समाजवादी लोग तो पूरे गांव को घेर के बाहर बैठे हुए हैं लगातार। आज कितना दिन हो गया, 4th-5th दिन हो गया, लगातार उस गांव के बाहर बैठे हैं जहां पुलिस को पहले में बैठाए रखते हैं। अरे, मैंने आपको पहले बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी बेटी को ही एडमिशन के लिए गए हैं, वो भी बेटी के ही लिए। बेटी को कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है, बेटी को क्या सम्मान दिया जाता है, उसी के एडमिशन के लिए बाहर है। वो भी आज रात को लौट के आ जाएंगे। अच्छा, वो कोई घूमने उमने नहीं गए। ये समाजवादी लोग ही हैं जो बच्चियों के लिए इतना समय देते हैं। जी, आप जो कह रहे हैं मैंने आपको पहले बताया, अभी तो मेरी आपसे कोई बातचीत ही नहीं हुई, मैंने पहला ही सवाल पूछा है आपसे। आपने पहले कब बताया मुझे नहीं पता, पहला। दूसरा, मैंने तो कोई ऐसा आरोप ही नहीं लगाया कि अखिलेश जी देश में है, विदेश में है, शहर में है, दूसरे शहर में, बाहर गए हैं। मैंने तो केवल ये पूछा, आप ये कह रहे हैं समाजवादी वहां बैठे हैं सारे, तो क्या अखिलेश जी भी वहीं बैठे हैं? क्योंकि आपको हमने देखा डंडे खाते हुए, लेकिन आपके नेता नहीं दिखे, इसलिए पूछा मैंने। इसमें कोई अन्यथा लेने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, आप शायद ये भूल गए कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, और हम लोग के यहाँ पे इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। नहीं सर, मुझे ये बात पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव होता है। मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, ये आप नई बात बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता खुद को अखिलेश यादव की तरह। तो फिर ये भी क्यों कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं और उसके बाद वहाँ जाएंगे, जब आप चले जा रहे हैं और बाकी अखिलेश यादव कई सारे वहाँ बैठे हैं, तो फिर इनको भी क्यों परेशान कर रहे हैं बुला के आप लोग? नहीं, कह दिया सारे अखिलेश यादव वहाँ बैठे हैं, तो मान लिया मैंने, बता दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति, अनुराग जी, हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव जी खुद एक कार्यकर्ता है। चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा महसूस कर रहे हैं, मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं कही थी जिसपे आप सफाई देने लग गए कि बेटी का एडमिशन कराने गए। सर, हर नेता का अपना एक परिवार होता है, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। मैं तो आपत्ति कर ही नहीं रहा इस बात पे, आप पता नहीं क्यों इसे अन्यथा ले रहे हैं।
नहीं, मैंने मैं तो कहा ही नहीं कि वो कहाँ है, मैंने केवल ये पूछा कि वहां बैठे हैं क्या वो। मैंने इसलिए मैंने जवाब दिया ना कहाँ है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अपनी बेटी के एडमिशन के लिए है, कि नहीं कल आपको जो लाठियां पड़ी थी तस्वीरें देखी थी हमने। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि किस तरह से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है महिला के सम्मान के, अच्छा हाँ तो भागी जाएगी, उनको भागना ही तय है, उनको तो देश से हमारे उत्तर प्रदेश से भागी जाना चाहिए। ऐसी पार्टी को जिस पार्टी को ये भी नहीं पता है कि गांधी जी के लिए, अब गांधी जी की जगह अगर मौन व्रत करके मौन तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को सुनते नहीं है तो गांधी जी को बोलने अगर इतने बड़े कांड के समय किस तरह से अत्याचार हो रहा है, नेता जी की जगह प्रॉक्सी नेता खड़े करेंगे तो कैसे भगाएंगे उनको फिर? आप सपना इतना बड़ा देखते हैं कि हम भगा देंगे इनको, लेकिन नेता प्रॉक्सी खड़े करते हैं। नहीं, नेता कहाँ प्रॉक्सी है, आपने कहा वो सारे अखिलेश यादव हैं, इनकी जरूरत नहीं थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव भी खुद समाजवादी पार्टी के, मैंने आपको बोला ना हर यहाँ पे कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव जी खुद एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, इसलिए पूरी की पूरी पार्टी अखिलेश यादव है, ये समझ लीजिए आप। और इस तरह से हम लोग सभी समाजवादी लोग ऐसे ही काम करते हैं। आपको कार्यक्रम में तो मैं यही बता करूंगा कि ये अखिलेश यादव आए हैं समाजवादी पार्टी से, अनुराग भदौरिया जैसा कुर्ता पहनते हैं हरे रंग का। नहीं नहीं, ठीक है सर, नहीं नहीं, आप बता दीजिएगा, परिचय दे सकते हैं कि समाजवादी यही कहूंगा कि अखिलेश यादव आए, ठीक है सर, ओके। रोहन गुप्ता जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 5 लोगों को जाने की अनुमति मिली, लेकिन क्या आपको लगता है ये सारा पूरा ड्रामा होने की जरूरत थी जो आज डीएनडी पर फिर से हुआ कि इतने सारे लोगों का काफिला जा रहा है, फिर पुलिस रोक रही है, फिर वहां पर डंडे चल रहे हैं, कार्यकर्ता पिट रहे हैं? देखिए रोहित जी, मैं आपसे विनती करूंगा इसको ड्रामा ना कहें, जिसको आप ड्रामा कह रहे हैं, एक दिन पहले जब हुआ जो अधिकारी, आपने वीडियो देखा आपके चैनल पे दिखाया गया, धमकी दे रहे थे परिवार को कि आप अपनी कोरोना पे करते तो मुआवजा, आज वही अधिकारी आपको माफी मांगते जो दिखे ना, ये पावर है जनता का। और ये लड़ाई, ये कांग्रेस पार्टी छोटी चीज है, ये लड़ाई भाजपा ने देश की जनता के सामने छेड़ दी है और इस जनता के साथ हम खड़े हैं इस लड़ाई में। ये किस प्रकार का अहंकार है? आपके वहां पे एक हादसा होता है, आप वो बच्ची की लाश को जला देते हैं, परिवार को अंतिम संस्कार की भी आप अनुमति नहीं देते हैं, क्या छिपा रहे हैं आप लोग? आप जाके उनके जख्मों पे मरहम जगह लगी जगह नमक लगाएंगे? आपके एसपी जाके धमकी देते हैं, आपके अधिकारी बोल रहे हैं बलात्कार ही नहीं हुआ, दूसरे दिन वापस उनको धमकी दी जाती है, उनके परिवार को रोका जाता है। अभी वो महिला ने बताया आपके वहीं पे चैनल पे कि कल कोई अधिकारी नहीं था, आपकी चैनल के पत्रकारों, सारी चैनल के पत्रकारों को कल ये कह के रोका गया कि वहां पे एसआईटी की जांच चल रही है क्योंकि इन्फ्लुएंस ना हो इसलिए आपको नहीं जाने दे सकते। तो क्या छिपा रहे हैं? अरे नार्को टेस्ट तो वहां के सीएम का होना चाहिए, अभी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। रोहित जी, यहां पे राजनीति आप जानते हैं, मैं मुद्दों पे जहां पे इमोशनल चीजें होती हैं, राजनीति की बात बाद में है, विपक्ष के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है, जो भी विपक्षी पार्टी है, कि ये जो सत्ता का अहंकार में मदमस्त होकर भाजपा घूम रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो देश की आने वाली पीढ़ी हम सबको माफ नहीं करेगी। आपने भी देखा जिस प्रकार से पत्रकारों को वार हो रहा है, आपने भी देखा जिस प्रकार से वार हो रहा है, ये नहीं हो सकता। हम तो वो सवाल उठा ही रहे हैं, हम उठा रहे हैं, हम पहले पहुंच गए, उसके बाद आप लोगों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया कि हमें भी आने दो। हम पहुंचे तभी आपको लगा कि हमें भी जाना चाहिए, वरना शायद आपको केवल मिलना ही रहता, लड़की अस्पताल में थी, यही मिलनी होते वहां उससे। हम उस डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे, नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा सर। कंसिस्टेंसी होती, आप अगर राजनीति नहीं करना चाहते थे तो जब लड़की जिंदा थी तब क्यों नहीं मिलना चाहा आपने? कभी मरने का वेट कर रहे थे क्या? देखिए हमारे और आपके बीच में कंपटीशन नहीं है, हम तो परसों से थे, हम लोग कंपटीशन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा बिल्कुल नहीं हो भी नहीं सकता, आप अलग काम में, मैं अलग काम में हूँ। लेकिन मसला ये है ना सर, जो सवाल उठेंगे उस पे तो मैं आप ही से पूछूंगा ना, आपकी पार्टी आपको भेजेगी तो मैं पूछूंगा कि जब लड़की जिंदा थी अस्पताल में थी, बिल्कुल पूछिए, तब क्यों नहीं मिलने का आपको दर्द हुआ एक बार भी जाके कि इसके साथ हम चले जाएं, बैठ जाएं, इसको भरोसा दे दें कि हम तेरे साथ हैं? मरने का वेट कर रहे थे क्या कि हाथरस जाएंगे उसके बाद जब मर जाएगी? देखिए रोहित जी जो जिस प्रकार की घटना हुई है, पहले तो बेशर्मी से 14 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं ली गई, उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, ट्रीटमेंट के लिए बाद में दिल्ली लाया गया, वहां पे उसका डाइंग स्टेटमेंट होता है, डाइंग जो बोलते हैं जो बेस होता है उसमें वो लड़की कहती है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, सरकार सुनने को तैयार नहीं। तभी कांग्रेस ने मांग उठाई कि ये जिस प्रकार की बात हो रही है नहीं चलेगी। दूसरे दिन अभी तो आगे कुछ हो, रात को 3 बजे जिस प्रकार की हैवानियत से उन्होंने बच्ची की लाश को जला दिया, ये क्या प्रूफ, क्यों छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? देखिए रोहित जी, सब लोग जानते हैं कि यह सामाजिक दूषण है, हम सबको मिलकर इसके लड़ना है, पर जब इस प्रकार की बात सत्ता वालों से हो कि जो परिवार के साथ रहना चाहिए, उसकी मां बिलख रही है, रो रही है कि प्लीज मुझे अंतिम संस्कार की परमिशन दी जाए, उसके परिवार को एक जगह पे रोक के रखा जाता है, यह कैसा ताना चाहिए?
क्या उनको कोई रोकने वाला नहीं है? आज एसपी हो या डीएम हो, वो तो सिर्फ मोहरा है, असली जो चेहरा है वो उनके राज, वहां पे सीएम है, वो असली चेहरे हैं, उनको आना चाहिए था और परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए। आप हम लोग देश की जनता के साथ रहेंगे, आप बोलेंगे राजनीति, अरे किसानों के साथ खड़ा रहना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे, युवाओं के साथ खड़ा रहना राजनीति है हम राजनीति करेंगे, कोरोना से पीड़ित जनता के साथ खड़ा रहना राजनीति है हम राजनीति करेंगे, देश की सेना के लिए बात करना राजनीति है हम राजनीति करेंगे, देश की बेटी के साथ अगर गलत कुछ हुआ उसके लिए खड़ा रहना है हम राजनीति करेंगे। दंडके की चोट पे कहता हूं, कांग्रेस इस प्रकार के अहंकार को सहन नहीं करेगी, हम देश की जनता के साथ खड़े रहेंगे। सुन चुका, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर रेप तो बलरामपुर मुझे देखिए देखिए रोहित जी, मैं आपको विनती से बोल रहा हूं, आपसे राजस्थान पूछूंगा ही नहीं, मैं राजस्थान तो पूछूंगा ही नहीं रोहित जी, ये राजस्थान में बीजेपी वालों से पूछूंगा कि तुम वहां क्यों नहीं जा रहे, आप जब हमको बुलाते हैं तब डायलॉग की बात मत कीजिए, ये देश की जनता की आवाज है, ये कौन से डायलॉग की बात कर रहे हैं आप, कौन डायलॉग बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत कीजिए रोहित जी, आप मुद्दे पे बात कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, जब ड्रामा होगा मैं ड्रामा कहूंगा, जब पांच आदमी जा रहे होंगे तो मैं बताऊंगा कि पांच आदमी मिलने के लिए जा रहे हैं, नहीं आप ड्रामा, जब 500 लोगों की बारात निकालने की कोशिश की जाएगी और ये शक्ति प्रदर्शन के तरीके से दिखाने की कोशिश होगी तो मैं बोलूंगा कि ड्रामा हो रहा है, लेकिन जब पांच लोग जाएंगे परिवार के साथ बैठेंगे और अपनी संवेदना जताएंगे तो मैं बोलूंगा कि हां ये लोग मिलकर संवेदना जता रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, केवल हाथरस में बलात्कार हुआ क्या, बलरामपुर में क्यों नहीं जा रहे, बलरामपुर जाने में क्यों डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है बलरामपुर जाने में, वो भी तो यूपी में है, आजमगढ़ चले जाइए, वहां पर भी तो दलित के सामने हो रहा है, क्यों नहीं गए वहां और लड़ेंगे, अहंकार नहीं चलने देंगे, पूरे देश में दूषण के सामने हम लड़ेंगे, सवाल सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे इसके सामने, सर सवाल सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे, मैंने कहा आप अपनी बात करेंगे तो मैं सवाल कैसे सुनूंगा, मैंने तो सवाल पूछा, आपने सुनना जरूरी नहीं समझा, आपको लगा कि नहीं, मैं बोल रहा हूं ना एक बात, मैं बोल रहा हूं सिर्फ इतना बता दीजिए, आप डायलॉग की सर रेप बलरामपुर में भी हुआ, बलरामपुर में रेप हुआ, की बात मत कीजिए, बलरामपुर में रेप हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां जाने का मन नहीं कर रहा, वो परिवार को आपकी मदद की जरूरत नहीं है, उनको इंसाफ मिल गया, देखिए आप अगर देखिए रोहित जी मैं आपको वही बोल रहा हूं, आप जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि एक रेप जो है सामाजिक दूषण है, हम सबको मिलकर मतलब उसके अगर मैं आपकी हां में हां मिलाता रहूं, हां हां रोहन जी बहुत अच्छे रोहन जी बहुत बढ़िया रोहन जी तालियां रोहन जी, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया रोहन जी बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रोहन जी बलरामपुर की बच्ची की क्या गलती है, राहुल गांधी को वहां जाने का मन क्यों नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे कि नहीं आप देश की जनता के खिलाफ बोल रहे हैं, सर ऐसा मत कीजिए, आप ये ड्रामा नहीं है, ड्रामा आप कर रहे हैं, सर मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सड़क पे 500 आदमी लेके निकलेंगे, 35 सांसदों के साथ तस्वीर खिंचाने निकलेंगे तो मैं बोलूंगा ड्रामा, लेकिन आप परिवार के साथ चार आदमी जाके बैठते चुपचाप और संवेदना जताते तो मैं कहता हाँ कि देखिए संवेदना जताने गए, लेकिन मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना, बलरामपुर जाने में क्यों डर लग रहा, आजमगढ़ जाने में क्यों डर लग रहा, वहां तो 144 भी नहीं लगी, वहां पुलिस रोक भी नहीं रही, आप जज नहीं है ना, जज तो आप भी नहीं है सर, जज तो आप भी नहीं है, अगर आप जनभावना बता रहे हैं तो मैं भी जनभावना बता रहा हूं, देश की जो पूछ रहे सवाल क्यों नहीं जा रहे बलरामपुर, आपकी आपको योगी जी से पूछने की तो हिम्मत नहीं है, सर मुझे जहां पूछना मैं पूछ रहा हूं, आपसे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, अगर योगी जी से मैं नहीं पूछ रहा होता ना तो आपको भी अनुमति नहीं मिलती, आप नाचते रहते सड़क पे वहां, अगर हमारा भी अगर मैं योगी से नहीं पूछ रहा होता तो ये ड्रामा सड़क पे चलता रहता, बैठे रहते आप लोग, सोए रहते, जब आज तक पहुंचा तब आपकी आंख खुली कि हमें भी जाना चाहिए, टीवी चैनल दिखा रहा है और आवाज उठाएंगे हम लोग, सर बलरामपुर के लिए भी उठा लीजिए, मैं कब मना कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वहां की भी उठाइए, आजमगढ़ की भी उठाइए, बिल्कुल राजस्थान की बच्चों की भी उठाइए, जरा जरा वेट करिए, आज हमको हाथरस की परमिशन मिली है ना, अच्छा आज परमिशन तो आज अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं, आपको मालूम है बेटी के साथ गलत हुआ, हाथरस भी उठेगा, बलरामपुर भी उठेगा, और ये अहंकारी सरकार की ईंट से ईंट हम बजा के रहेंगे, मैं आपको कर रहा हूँ वादा कर रहा हूँ, okay. आप इसको ड्रामा आपको लगता हो आप ड्रामा कीजिए, हमारा काम जब आप 500 लोगों को लेके सड़क पे तांडव करने की कोशिश करेंगे तो लोग यही सोचेंगे कि आप ड्रामा कर रहे हैं, जब आप परिवार के यहाँ संवेदना जताने जैसे जाया जाता है, आप जनता को पूछिए ना रोहित जी, रोहन जी क्यों हुआ, रोहन जी रोहन जी आप बोलिए सवाल पूछ लीजिए, मुझे पता आप अच्छे से टीवी देखते हैं, मुझे पता है आप आईटी सेल चलाते हैं, आपको वहां लिखानी रहती है चीजें अपनी टीम से, तो इसलिए आप टीवी और ज्यादा ध्यान से देखते हैं बाकी लोगों के मुकाबले, इसलिए जब आप ये कह रहे हैं ना कि रोहित जी आप तो चला नहीं रहे, रोहित जी आप तो सवाल पूछ नहीं रहे, आपके मुंह पे दिखाई दे रहा है कि आप जबरदस्ती कह रहे हैं, आपको पता है कि मैं बोल रहा हूं, आपको पता है कि मैं 4-5 दिन से सवाल पूछ रहा हूं,
आपको पता है कि मेरे रिपोर्टर पहले दिन से वहां पर खड़े हुए हैं, आपको पता है कि हमने आवाज उठाई, सभी आप लोगों की हिम्मत आई। इसलिए सर प्लीज, ये अंतरात्मा का जुमला मुझे मत दीजिए प्लीज, आपसे तो मुझे अंतरात्मा का जुमला नहीं चाहिए सर। ये आईटी सेल वाले अंतरात्मा के जुमले तो नहीं बांटे जो पैसे लेके ट्वीट कराते हैं। प्लीज सर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए गुप्ता जी अंतरात्मा का जुमला अपने लोगों के लिए रखिए जिनको आप नौकरी पे रखते हैं, मुझे मत दीजिए अंतरात्मा का जुमला प्लीज, आपसे नहीं चाहिए। मेरे साथ एक और मेहमान आ गए, जरा उनके पास चले चलते हैं। एके जैन साहब फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, एसपी गए, डीएसपी गए, एसएचओ गया, चार और पुलिस वाले गए, सर यही लोग जिम्मेदार थे क्या? इन्होंने ही सब कुछ किया था क्या? अपनी मर्जी से इन्होंने जला दिया होगा शवों को, शव को आधी रात में? नहीं, जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग पाई गई है उसके आधार पर इनको किया गया है। पर मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल इसमें बहुत खराब था और उनके खिलाफ भी इसमें एक्शन होना चाहिए था, चाहे वो डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो। ये डिसीजन सबके द्वारा, एसपी डीएम के द्वारा मिलकर लिया जाता है, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए थी। इसमें कुछ और अभी आएंगे चेहरे सामने, 12th को हेयरिंग भी है हाईकोर्ट में, वो भी हाईकोर्ट भी इसमें कोई बड़ा एडवर्स व्यू ले सकता है। तो ऐसा नहीं है, जो वहां पर मौके पर मौजूद है अभी फिलहाल उनको पनिश किया गया है और भी इसमें आगे जो है और भी लोग इसमें पनिश किए जा सकते हैं। सर कोई प्रोटोकॉल होता है क्या ऐसा कि सुबह दंगा हो जाएगा या सुबह नेता आ जाएंगे या भीड़ लग जाएगी इनके घर पे, मीडिया आ जाएगा, इसलिए रात में जला दो आधी रात में? नहीं, वो आपका कहना सही है, वो नहीं करना चाहिए था, ये इमैच्योरिश डिसीजन है। वहां पे चाहे अतिरिक्त पुलिस बल लगाना पड़ता, उनको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था, और गांव में चारों तरफ हाथरस में पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं है यूपी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज बुलाई जा सकती हैं, उनको दिन के समय, उनको जब उनके सारे परिवारीजन एकत्रित हो जाते, सारे रीति रिवाज पालन हो जाता, तब उनको कराना चाहिए था और अपनी मौजूदगी में कराना चाहिए था, दिन के समय होना चाहिए था। लेकिन सर अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर, ऊपरी आदेशों के बगैर हो गई होगी? क्योंकि जब मीडिया को रोका जा रहा था और मीडिया कर्मी पुलिस अधिकारियों से पूछ रहे थे कि क्यों नहीं जाने दे रहे, तो वो यही एक ही बात कह रहे थे, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। ये ऊपर क्या होता है सर? ये ऊपर जो है, ये सबॉर्डिनेट पुलिस फोर्स जो इशारा करता है वो डिस्ट्रिक्ट एसपी की तरफ करता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फील्ड में मौजूद है, जो इस केस में एसपी डीएम थे, अगर आईजी और कमिश्नर होते तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती, पर इस केस में एसपी और डीएम है, डिसीजन वही लेते हैं और वही 144 लगाई, उन्होंने ही ये डिसीजन लिया होगा कि रात में इसका क्रिमेशन कर दिया जाए, अन्यथा सुबह के समय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। उन्होंने हो सकता है दूसरों को, सीनियर्स को इस बात की सूचना दी हो, देनी भी चाहिए, पर डिसीजन जो है वो हमेशा एसपी और डीएम का होता है और वही इसमें जॉइंटली उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस के साथ नाइंसाफी हुई, पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, प्रशासनिक अधिकारियों पे नहीं हुई अभी तक? हाँ, नहीं, मेरा ये मानना है कि इस केस में गलती जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी नजर आ रही है, आप लोगों को भी नजर आ रही होगी। इसमें केवल पुलिस को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना, मैं इसको न्यायोचित नहीं मानता हूँ। संगीत रागी हमारे साथ आ गए हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। संगीत रागी, स्वागत है आपका। सवाल ये कि आप लोग क्यों परेशान हैं इस बात से कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जाना चाहते हैं हाथरस और परिवार से मिलना चाहते हैं, क्यों सरकार बार बार, पहले एक दिन रोक दिया गया, वापस भेजा गया और आज भी काफी देर की हिला हवाली के बाद जाने की अनुमति दी गई? देखिए रोहित जी, मैं परिवार तो मैं किसी संस्था के प्रवक्ता के तौर पर नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक तौर पर मैं बोल रहा हूँ। देखिए, रेप उत्तर प्रदेश में भी चार जगहों पर होती है, एक जगह और चारों जगह दलित महिला है, लेकिन तीन जगह उसमें मुस्लिम ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं, एक जगह जो है वो कोई अन्य है। राजस्थान में भी होती है, झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में भी 28 सितंबर को घटना घटती है, वह भी एक जनजातीय युवती के साथ ऐसी घटना घटती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी राहुल गांधी कर रहे हैं या प्रियंका गांधी जो कर रही हैं, वह एक राजनैतिक अपने हितों को साधने के लिए करती है। अच्छी बात है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि यदि आप वाकई महिलाओं की इज्जत
दलितों के हितों की यदि आप बात करते हैं तो आपको राजस्थान भी जाना चाहिए था, आपको झारखंड भी जाना चाहिए था, झारखंड के गोड्डा में भी जाना चाहिए था, आजमगढ़ भी आप जाते, लखीमपुर खीरी भी आप जाते, बुलंदशहर भी आप जाते और आप गिरने का कम से कम तमाशा नहीं करते। आप जाइए, बिल्कुल जाइए, हर पार्टियां जाती है, आप भी जाइए, आपका स्वागत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हाथरस की घटना है, उस हाथरस की घटना का जो जिक्र अभी मीडिया के सामने आया है, उसके इतर भी कुछ सच्चाइयां हैं जो उसके कई प्रकार के कई वर्जन आ रहे हैं, कई प्रकार के तथ्य वहां से आ रहे हैं। आपके पास है तो बता दीजिए ना सर, अगर आप जानते हैं जो टीवी पर चल रहा है उसके अलावा कुछ सच है तो बता दीजिए रोहित जी, या यूपी पुलिस से कहिए, एसआईटी से कहिए कि रखे सामने, कौन रोक रहा है? रोहित जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है रोहित जी कि हम मीडिया पर उसका ट्रायल करके और हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ये ठीक है आपकी भी सर, अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में महाराष्ट्र की सरकार कटघरे में हो तो मीडिया ट्रायल आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस केस में हाथरस के अगर मीडिया ट्रायल जैसा कुछ हुआ और आपको लग रहा है आपकी ऐसी विचारधारा की नजदीकी पार्टी की सरकार कटघरे में है तो आपको लगता है कि नहीं ये खराब है, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना सर। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यदि कोई पत्रकार, मुझे बोलने दीजिएगा रोहित जी, मैं पत्रकारिता पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि आप डीएम या एसपी को भी यदि आप सस्पेंड करते हैं तो कई बार ये दिखाया जाता है आज तक ने ऐसा न्यूज चलाया इसके कारण ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः जो स्थितियां ये होती हैं, यदि आप किसी को सस्पेंड भी करते हैं और सस्पेंशन टेक्निकली कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि सस्पेंशन आप करते हैं तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए, प्रारंभिक कोई जांच तो होनी चाहिए। यदि पुलिस कप्तान ने या जिला पुलिस अधीक्षक ने यदि कोई निर्णय लिया है या उनके डिप्टी डीएसपी ने कोई निर्णय लिया है तो उनके बारे में जब तक कोई जांच नहीं आ जाती, आप पहले समय से ही आपने कप्तान को क्यों नहीं हटाया? आप इस बात से सहमत हैं? आपको इस बात पे संगत जी कोई आपत्ति नहीं कि आधी रात में परिवार की सहमति के बगैर लड़की का शव जला दिया जाए, तेल डाल के छिड़क के उसके ऊपर आग लगा दी जाए, आप सहमति देते हैं इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल, आप सरकार में होते करते ही मंजूरी देते इस बात की? बिल्कुल। देखिए पहली बात तो कि मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं कोई भी ऐसी चीजों को, लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं घटी सर, आप उससे सहमत भी नहीं है, आप खुद रहते तो वैसा करते भी नहीं, लेकिन फिर यह भी आप एक साइड में वो देना चाहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट के किन परिस्थितियों में हुआ। देखिए जो गलत है वो गलत है संगीत जी, गलत को गलत कहने में डर किस बात का, किससे डर नहीं रहा है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं रोहित जी, जो चीजें गलत हुआ इसी कारण तो पुलिस वालों को पनिश किया गया, यही कारण है कि सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। प्राइमा फेसाई एसआईटी ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी, उस प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं ना कहीं उनकी गलती पाई गई, ठीक है, यही कारण तो है कि उनको सस्पेंड किया गया। अब सर, आने वाले दिनों में सर, अब एक भी पूर्व डीजीपी हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं प्रशासनिक चूक है, केवल पुलिस वालों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी इसमें बराबर के जिम्मेदार होंगे। आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया वाले ये सवाल कैसे उठा सकते हैं कि इसको सस्पेंड कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, हम तो पूरी हायरार्की सामने रख देते हैं सर कि ये अधिकारी हैं, ये लोग जवाब दे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या इनमें से किसी पे कार्रवाई होगी? हम तो ये भी नहीं कहते कि इसको नौकरी से निकालो या सस्पेंड करो, हम तो सवाल पूछते हैं केवल कि क्या इन पे कार्रवाई होगी, आपको वो भी बुरा लग जाता है। आप चाहते हैं कि यही पार्टी के नेता जिनकी अपनी सरकार है राजस्थान में झारखंड में, ये वहां जाके भी नारे लगाएं, तो सर आप जिस पार्टी की पैरवी कर रहे हैं दबे छुपे वो क्या करेगी फिर, वो विपक्ष में बैठ के भी अगर ये नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी सर? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने इसीलिए कहा कि एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होता है और एक विपक्ष जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव विपक्ष होता है। कांग्रेस जो है वो एक विक्षिप्त विपक्ष की भूमिका में आज के दिन में हमारे सामने मौजूद है। अच्छा। कोई भी उनको सहारा चाहिए, कहीं भी ऐसा हो, कहीं भी यदि कहीं पर थोड़ा सा पेट्रोल हो तो आग में आग लगाने के लिए वो हमेशा तैयार रह रहे हैं। चलिए आपकी बात है, अब जवाब देने का मन कर रहा है रोहन गुप्ता का। जो है वो सेंसिटिव कई ऐसे मामले होते हैं जिन पर हमको अपनी राजनीतिक सवालों से, अपनी राजनीतिक प्रश्नों से ऊपर जाकर भी हम लेते हैं। आप भी क्योंकि विश्लेषक हैं तो खूब अध्ययन करते हैं,
याद कीजिएगा बदायूं के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में क्या कहा था बदायूं की घटना को लेकर जब चुनाव आ रहा था उस समय, और क्या वो राजनीतिक इस्तेमाल के लिए कही गई बात थी या नहीं और वो जायज थी या नहीं, अभी पूछूंगा आपसे। उसके पहले रोहन गुप्ता आपकी बात पे कमेंट कर रहे हैं, बोलिए रोहन गुप्ता। उत्तर दूंगा, ठीक है सर, बोलिए रोहन गुप्ता। बिल्कुल, सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। देखिए रोहित जी, इसको रंग बदलना कहते हैं। जो कल तक आरएसएस विचारक लिखवाते थे, आज राजकीय विश्लेषक लिखवा के आ गए हैं। कितना भी मुखौटा के पीछे अपना मुंह छिपाए, नहीं छिपेगा। आपने एक सवाल पूछा कि क्या किसी बेटी को उसके परिवार की अनुमति के बिना परिवार से अधिकार छीन के रात को उसका अंतिम संस्कार कर देना क्या उनके साथ है? उनके मुँह से भाजपा शब्द भी नहीं निकला। ऐसे लोग कैसे राजकीय विश्लेषक हो सकते हैं? बात यहाँ पे राजनीति की है ही नहीं रोहित जी। जो आज कोई भी राज्य में हो, बलात्कार जैसे जो गंभीर मामला है, हम सबको संवेदना से लेना है। बात है सरकार के उसके बाद जो किए गए काम है। कुलदीप सेंगार और चिन्मयानंद को बचाने वाले लोगों से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो, न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? अब उनको लग रहा है कि उनकी पोल खुल रही है तो दो तीन अधिकारी को सस्पेंड करके उसके ऊपर कहीं ना कहीं मिट्टी डालने का काम हो रहा है। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बीजेपी के बी टीम में आप प्लीज चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपका समय आए तब बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मुद्दा यहाँ पे ये है रोहित जी, इतनी गंभीर घटना होती है, अपने आप को विश्लेषक कहते हैं आप, कभी तो सवाल उठाइए। और भाजपा की सरकार है जहाँ पे वन मैन शो होता है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट से जहाँ पे होता है, क्या आपको लगता है वहां पे किसी अधिकारी की हिम्मत है? और पूरा देश ये देख रहा है। बेटी का जो डायरी स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें कहा जाता है मेरे साथ पूछना चाहता हूं, उसके बाद में रात को उसको जलाया जाता है। सुनिए एक मिनट, उसके बाद आपने डीएम का वीडियो देखा परिवार को धमकाते हुए, किसी की हिम्मत है क्या मुखिया के बिना, राज्य के मुख्यमंत्री के या सरकार के बिना ये करे? मुझे नहीं लगता ये आप हवा, इसके ऊपर आप मिट्टी नहीं डाल सकते। देश की जनता जानती है, और ये जो पूरा मामला हुआ है, देश की जनता का पूरा विश्वास आपसे चला गया। रोहन गुप्ता, बात यह है, आपने कहा कुलदीप सिंह सेंगर वाली पार्टी, ठीक है सर, कुलदीप सिंह सेंगर इसी कार्यक्रम में बैठ के मैंने 10 बार डिबेट किया कम से कम, तब जाके कुलदीप सिंह सेंगर जेल में पहुंचा, उसके बाद अदालत ने फैसला किया। लेकिन सर, एक हमारे साथ बैठे हैं गायत्री प्रजापति वाले, और आप महिपाल मदेरणा वाले। सर जब सब नंगे हैं तो दूसरों के घर पे पत्थर कैसे फेंकते हैं और कांच के घर में रहते हुए फेंकते हैं? एक कंसेंसस बना लीजिए कम से कम कि भाई बलात्कार जैसी घटना पे हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, और हमारे सबके यहां क्योंकि इस तरीके की ब्लैक शीप हैं तो हम उनको निकाल के बाहर फेंकेंगे। रोहन जी बोलिए, उसके बाद अनुराग बोलेंगे। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूं, एक सेकंड, पहले रोहन जी से मैंने सवाल पूछा। रोहित जी, हाँ रोहन जी आप बोलिए पहले, फिर अनुराग और संगीत जी बोलेंगे। देखिए रोहित जी, आपने बहुत बहुत बिल्कुल देखिए रोहित जी आपने बहुत सही बात बोली कि जब तक बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दों की बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आज ये मामला आ रहा है, क्यों हम लोग क्यों बैठे हैं, क्यों इतना हंगामा हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि आप छिपा नहीं सकते हैं। आपके राज्य में गलत काम हुआ है, आपको पहले तो उसको रोकना है। आप नहीं रोक पाए तो परिवार के साथ खड़े तो रहिए। यह अहंकार क्या है, आपको क्या छिपाना है? कौन सी राजनीति है कि आपके जो एसपी है और जो आपके जो डीएम है आप यूज कर रहे हो परिवार को दबाने के लिए? परिवार की उसकी मां बोली जा रही कि हमको दबाया जा रहा है, कल एसआईटी नहीं है, मीडिया को रोका जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना कर गई, आप मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे? ये तो सवाल बड़े पर्सपेक्टिव में पूछा था, दबा नहीं सकते जनता की आवाज को? मैंने सवाल बड़े पर्सपेक्टिव में पूछा था, आप उसको टाल गए इसमें? मैं नहीं सर, उसके आप उस पार्टी के नेता हैं सर जिसके मुख्यमंत्री पर एक राज्य में ये आरोप है कि चुनाव के समय में रेप की एफआईआर रोक दी गई 5 दिन तक कि भाई चुनाव हो जाने तो फिर दर्ज कर लेना इसको। आज आप कह रहे हैं कि हम बड़े सेंसिटिव हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, देखिए इस पर जब तक बलात्कारी की बात आती है कोई देयर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, देयर शुड बी हैंग टिल डेथ। यहां पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग हमेशा खड़े रहे, कोई भी का मामला होगा, कांग्रेस का राज्य होगा, हम भी इस प्रकार की बात नहीं सहेंगे, और आपके माध्यम से कहूंगा हम सबको मिलकर करना है। और आज ये यूपी सरकार के लिए तो बहुत बड़ा सबक है कि इस मामलों को दबाइए मत, दूध का दूध पानी होने दीजिए, अधिकारियों का दुरुपयोग ही रहे होते आप लोग, देश की जनता माफ नहीं करेगी। मिल ही रहे होते आप लोग, ये लग रहा होता देश के लोगों को कि भाई वाकई ये कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करके इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं कि देश की बेटियां सुरक्षित रहे, तो देश की जनता आपके साथ आपको सर माथे पे बिठा के खड़ी हो जाती अनुराग भदौरिया। लेकिन जब आपके समय के लोगों के बयान देखते हैं, जब आपके नेताओं की सीरियसनेस देखते हैं, तब जब वो सत्ता में थे और बदलाव लाने की दिशा में सख्त फैसले कर सकते थे, उनसे कैसे उम्मीद करें कि वाकई वो संवेदनशील है? आज मैं क्यों नहीं कहेंगे ड्रामा कर रहे? देखिए रोहित जी, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा
या भारतीय जनता पार्टी को शायद ऐसा लगता है क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है। आप देखिए कि गांव का अंतिम व्यक्ति जिसकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ वो क्या कह रहे पता है आपको? उसको शायद उतना उनको ज्ञान भी नहीं होगा, उनको ये पता है कि मुझे SIT पे यकीन नहीं है, CBI पे यकीन नहीं है, वो इसके मतलब वो पुलिस पे यकीन ही नहीं करना चाहते। तो किससे कराएं? भदौरिया, अनुराग भदौरिया की अध्यक्षता में टीम बना दे, सुन तो लीजिए, वो करेगी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट जज से कराओ। इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन से कितने भयभीत है, वो कितना अत्याचार कर रही है पुलिस और यहाँ का प्रशासन। इसके मतलब वो अपना विश्वास खो चुकी है सरकार का जो विश्वास है जनता के ऊपर से उठ चुका है, क्योंकि पुलिस को लोगों ने समझ लिया ये उनका दुरुपयोग कर रहे हैं राजनीतिक द्वेष से। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से रात में, सुनिए ना, क्योंकि उस परिवार ने कहा कि हमें SIT CBI पे भरोसा नहीं है, तो हरे कुत्ते वाले अखिलेश यादव को अब CM बना देना चाहिए, भले जनता ने वोट दिया ना उनको। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, क्योंकि हरे कुत्ते वाले अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भगवा पहनते हैं, हिंदुत्व को बड़ा बढ़ावा देते हैं, आप किसको बढ़ाते हैं? हरा कुर्ता पहन के मुझसे मत बुलवाइए, आप छोड़ दीजिए, अगर रंगों से धर्मों का जोड़ना है तो अनुराग भदौरिया फिर आप भी मान लीजिएगा कि आप एक धर्म विशेष की खुशी के लिए हरा कुर्ता पहन के बैठते हैं। मैं अपनी बात पूरी, आपने खुद कहा था कि मैं भी अखिलेश यादव हूँ, इसीलिए मैंने कहा हरे कुर्ते वाले अखिलेश यादव, सीधे अखिलेश यादव जी कहता तो लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये तो अनुराग भदौरिया जैसा दिखता है, अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं? अरे मैं बात तो पूरी कर लूं, मैंने कहा कि जब रात के अंधेरे में कौन से हिंदू संस्कृति और रीत रिवाज है कि रात में आप 3 बजे किसी की लाश को जला देंगे, किसी बच्ची का अंतिम संस्कार कर देंगे, तब कहां गया था गिरे हुए कपड़े? वो हिंदुत्व की बात करते हैं, इसके मतलब आप जो धर्म की बात करते हो ना, सत्ता पाने के लिए करते हो, आपको सत्ता पाना और पाप छुपाने के लिए करते हो, ये पाप छुपा रहे थे आप, ये सरकार का पाप था जो पाप छुपाने की कोशिश कर रहा था कि रात के अंधेरे में आपने बच्ची को जला दिया रात के अंधेरे में जला दिया, इसको अंतिम संस्कार बोलते हैं कि माँ अपनी बच्ची का मुंह ना देख पाए, उसके पिताजी अपनी बच्ची का मुंह ना देख पाए जिसने पाल पोस के बड़ा किया, उसी में हथरस की घटना नहीं है। बात बता दीजिए, 2 महीने में 18 बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, चाहे लखनऊ में 5 साल की बच्ची के साथ हुआ, चाहे हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ। रैली नहीं चल रही ना आपकी? अपनी बात तो पूरी कर लो सर, कब आपकी बात तो आधे घंटे पूरी नहीं होगी सर, नहीं कि कितनी अत्याचारी कितनी मुश्किल से आज आपको इतने दिनों बाद मौका मिला है, तो आपने देखा सर किस तरह से लाठियों का स्वागत करते हैं अनुराग जी, सवाल पूछ रहे हैं बच्चियों का न्याय, अनुराग जी मैं नहीं, महिलाओं के न्याय के लिए जब आवाज उठाते हैं समाजवादी लोग तो लाठियों से स्वागत। अनुराग जी मैं नहीं कहूंगा आपसे, मैं ये आपसे नहीं कहूंगा कि कुर्ता उतार के दिखाइए आपको चोट कितनी लगी है कहां लगी है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, कल तस्वीरें देख ली, हमने देख ली तस्वीरें, लेकिन मैं दो चीजें जानना चाहता हूँ बस थोड़ा चेक कर लीजिएगा, आप अपने दफ्तर में पूछ लीजिएगा चाहे तो फोन करके कि राजस्थान में आपकी पार्टी की यूनिट है या उसको आप लोगों ने खत्म कर दिया है, कांग्रेस में मर्ज तो नहीं कर दिया, क्योंकि वहां आपकी तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन, कोई संवेदनशीलता, कोई संवेदना की प्रस्तुति हम लोग नहीं देख रहे हैं, जहां पर बच्चियों के साथ रेप हुआ है केवल हाथरस में देख रहे हैं। बलरामपुर में आपने समाजवादी पार्टी की पूरी यूनिट को खारिज कर दिया है या सरकार ने जेल में बंद कर दिया है कि भाई कोई घर नहीं जा रहा, कोई परिवार से नहीं मिल रहा, कोई जाके ये नहीं बता रहा कि मैं मिल के आया हूं, मैं भी किया था लखनऊ में भी किया था, उन्नाव की घटना में भी किया था हमने, लखीमपुर की घटना में भी किया था, पूछ लीजिए लाठियां गांव में, आपका फोटो भेज दो उसके पहले की भेजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह मोबाइल पे दिखा दीजिएगा, अभी आपके पास आऊंगा तब मोबाइल पे दिखा दीजिएगा तस्वीरें, आपके पास होंगे लगातार, मैं आपसे आप ही से कह रहा हूं आप दिखा दीजिएगा, संगीत रागी जवाब दीजिए उनकी बात का, उसके बाद जैन साहब से कमेंट लूंगा जल्दी, मैं ये हस्त होगा अगर ये सरकार की जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अन्याय क्यों बढ़ा है, ये सरकार का सवाल पूछिए, छोटे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, छोटे अखिलेश यादव जी प्लीज, अब मैं संगीत जी से कमेंट ले लूं, आप ही की बातों पे लूंगा कमेंट, लेकिन वो देंगे, बोलिए संगीत रोहित जी समाजवादी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता श्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, ये दोहराने की क्या आवश्यकता है कि बच्चे अनुराग सुनते रहना आपकी बात को, अनुराग जी उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी की नहीं सुनी, याद दिलाना चाहता अनुराग जी उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी की नहीं सुनी, अभी कल तक आप मान रहे थे गलती है गलती हो जाती है गलती थी नेताजी से भी गलती थी, कल आप मान रहे थे कि नेताजी से भी गलती हुई थी, आज आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि पार्टी ने ऑर्डर दे दिया होगा कि इसको जस्टिफाई करना, गलती नहीं मानना इसको, प्लीज सर थोड़ा आपका समय आएगा फिर बोल लीजिएगा, वापस आपका समय आएगा फिर बोल लीजिएगा, वो बात पूरी करना, इसके बाद मुझे एक सवाल जैन साहब से भी लेना, रोहन गुप्ता से भी लेना प्लीज, नहीं रोहित जी इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप हमेशा विपक्ष की आवाज उठाते हो, मैं तो सबकी आवाज उठाता हूँ सर, लेकिन दिक्कत होती है जिसको जिस दिन सूट नहीं करता वो गाली दिलवाता अपनी आईटी सेल से जाकर, इसलिए छोड़ लेते हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप विपक्ष का सवाल मैं स्वीकार करता हूँ, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अभी संगीत जी का जवाब सुन लेते हैं, संगीत जी बोलिए फटाफट,
रोहित जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ मैं आता हूं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके एक प्रवक्ता बड़े वकील हैं, बड़े श्रेष्ठ वकील हैं, देश के नामी वकील हैं। वो महिला से कौन सा फेवर मांग रहे थे ये पूरे देश को पता है, वो उस वीडियो से सब कोई वाकिफ है। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता था, लेकिन आज के दिन में वो गांधी परिवार के बड़े नजदीकी प्रवक्ता हैं। आज भी वो गांधी परिवार के डिफेंड करने के लिए वही हमेशा और कांग्रेस परिवार के लिए आते हैं। इसलिए कृपया इन सब चीजों में आप मत पड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कुछ भी हाथरस में घटना घटी है उसके प्रति हम सभी को संवेदनशील होना चाहिए। एक संवेदनशील समाज के नाते, एक सभ्य समाज के नाते जो कुछ भी गलती हुई है उसको कोर्स करेक्शन करना चाहिए, और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। यदि पुलिस प्रशासन ने गलती की है तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। यदि अन्य लोग भी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी स्थितियों में लोग राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी भी राजनीतिक पर्यटन पर गए हुए हैं, वरना कौन नहीं जानता है कि राहुल गांधी बैंकॉक से सीधे और लॉस एंजल्स से सीधे लौट करके यहां पर आए, और बैंकॉक किस लिए जाते हैं वो सब कोई जानता है। रायबरेली में कौशल्या देवी का कांड का क्या लोगों को मालूम नहीं है क्या? रोहित जी, किस प्रकार के आदमियों को बुलाते हैं? संगीत जी, किस प्रकार के लोग आ जाते हैं? आपने बीजेपी के बी टीम वाले लोग, फिर आप आज के दिन तो मत कीजिए। सोशल मीडिया पे जो चलता है वो सब लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है? आपने पहली बात कही, तथ्यात्मक सवाल नहीं किया। रोहित जी रोहन जी, एक सेकंड ही कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आपके पास बोलिए जल्दी। संगीत जी पूरा आ रहा हूँ, रोहन जी आपके पास। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता पर मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की। मैं राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर भी हूँ और आरएसएस से मेरा आरएसएस का स्वयंसेवक भी हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए आप संगठन पर कटाक्ष तो करना बंद कर दीजिए। भी नाम ले लीजिए। अरे मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ, कहा कि यह संबंध क्या बोला आपने? क्या आप मानते रोहन गुप्ता? मैं अभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। बस सर, बस सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अच्छा नहीं लगता। ये विषय ऐसा नहीं जिस पे आप लोग लड़े। इस विषय पे लड़ते हुए जाएंगे तो लोग और गाली देंगे आपको कि भाई ये नेता हमारी बच्चों की सुरक्षा पर भी एक राय नहीं हो सकता। अगर लड़ेंगे इस पर तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। एक सेकंड सर, मैंने पहले ही कहा कि ब्लैक शिप सब पार्टियों में आतंकवादियों के लिए आपके सर ब्लैक शिप सब पार्टियों में है। ऐसे नेता हर पार्टी में है जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप है, उनको बचाया पार्टियों के नेतृत्व ने। लेकिन कम से कम अब तो एक कसम ले लें कि हम बाहर आके खड़े हैं, हम पहले निकाल रहे हैं अपनी पार्टी से हर उस नेता को जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगा है कभी भी, या कोई ऐसे मामले में लिप्त रहा है, हम उसको बाहर कर रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, आज ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिस गाड़ी को प्रियंका गांधी वाड्रा चला रही है उसमें हंसी ठट्ठा हो रहा है, और लोग ये सवाल उठा रहे हैं। अगर आप इतने संवेदनशील हैं, वाकई एक परिवार के यहाँ मनाने जा रहे हैं, अफसोस करने जा रहे हैं कि आपने बच्ची खो दी है, तो ये हंसी ठट्ठा करते हुए जा रहे हैं सर? ये अपने आप में एक गलत मैसेज दे रहा है। फिर उनको बीच में ना बोले, उनको बोले बीच में ना बोले। मैं कब से सुन रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बीच में आपने मुझसे सवाल पूछा है, इनको बोले व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। आप जो इनका संगीत गांधी जी, आपकी पूरा देश कांग्रेस की तरफ से भी बोल रहे हैं क्या? मेरा सवाल कांग्रेस से है। मत चुप रखिए अपना मुंह, आप कांग्रेस की तरफ से आपको देख रहा है, वो बोल रहे हैं अपने आप। कांग्रेस के प्रवक्ता तो है, बीजेपी के नहीं है। बोले रोहित जी, आपने 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 जो परसों की बात की कि राहुल गांधी गिरे, मैंने नहीं की। बीजेपी जितना गिरी है आज पूरे देश ने देखा, परसों से देख रहे हैं। आप रिवाइज कर लीजिए, आप चेक करिए। इनको बोलिए चुप रहे, मैं मेरी बात खत्म कर लूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए। रोहित जी, परसों से हम लोग जब से ये मुद्दा राहुल जी गए वहां पे रोका, परसों आपने अधिकारी का वीडियो देखा ब्लैकमेल कर रहे हैं परिवार को कि आप अपनी कंप्लेन वापस लीजिए, कोरोना का मुआवजा। आज वही अधिकारियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये पावर है विपक्ष। हम लड़ते रहेंगे, आप कितने भी सोशल मीडिया को इधर से काटे वो करें, वो आप करते रहिए, हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष ही, हम निभाएंगे। हमने हाथरस का मुद्दा, आज हमको परमिशन मिली है हाथरस जाने की, बलरामपुर की बात तो जहां पे भी यूपी में ही है, और सरकार परिवार की आवाज दबाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। हमारे लिए ये राजनीति का नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और है, जब विपक्ष में हम है, 60 साल अगर हमने शासन किया, जो बनाया है हम नहीं तोड़ने देंगे इस प्रकार। सर समय खत्म हो रहा है, केवल इतना कहूंगा, विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां सत्ता में है वहां सत्ता की जिम्मेदारी भी निभाएं, कानून व्यवस्था वहां बनाकर रखना
वहां बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं ना हो, उनको रोकना वो आपकी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में दो दो हाथ इस समय हो रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कुल मिलाकर 5 लोगों को परिवार से मिलने की अनुमति दी गई है। परिवार से मिलेंगे तो क्या बात होगी? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे थे। आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देख रही आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।